मोदी को टारगेट कले पवार महिला संरक्षण बिल नहीं मोदी बर्षिले शरद कहले ओबीसी मान को सुजोग देवा उचित एनसीपी मुख्य शरद पवार मंगलवार महिला संरक्षण बिल को नहीं मोदी सरकार को टारगेट कर शरद पवार कहते जे 1993 मसीह आमे महिला मान संरक्षण दे महाराष्ट्र देशर प्रथम राज्य थिला जो थे महिला मान संरक्षण प्रदान करा बोधहुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जाणी नाहंती वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी दावी करछंती जे विरोधी दल महिला चापरे महिला संरक्षण बिल को समर्थन करछंती पूर्वतन केन्द्रमंत्री शरद पवार कहते देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे महिला संरक्षण बिल संसद सर्वसम्मति क्रमे नि संसद दुईज सदस्य को छाड़ी महिला संरक्षण बिल को कहीं विरोध करमार परामर्श और दावी था जे सांविधानिक संशोधन समय ओबीसी मान एक सुजोग दि जाऊ शरद पवार कहते तत्कालीन कांग्रेस सरकार समय 73तम सांविधानिक संशोधन पर स्थानीय संस्था महिला 33% कोटा जोगा दीजाइला जितेबाद मु प्रतिरक्षा मंत्री थी सेना नौसेना और वायुसेन महिला मान 11% संरक्षण दि जाइला दुर्भाग्यजनक जे पीएम मोदी को ए संपर्क में उपयुक्त सूचना दि जाइना कारण से कांग्रेस विरोध में यह बृत्ति खालिस्तान समर्थक हार्दिक सिंह निजर हत्या को नहीं भारत और कानाडा मध्य विवाद जारी रही शरद पवार कहते जड़े भारतीय नागरिक तथा संसद सदस्य हो भारत सरकार वैदेशिक नीति को संपूर्ण समर्थन करुच्छे प्रधानमंत्री मोदी कहते कांग्रेस और यार नूतन अहंकारी मिलित मंच संसद में महिला संरक्षण बिल को समर्थन करण से पाखे कौन विकल्प नहीं ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।